चेतन चौहान ने उड़ीसा की पुरी से लोकसभा प्रत्याशी संबित पात्रा के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान जगन्नाथ प्रधानमंत्री मोदी के भक्त हैं। इस पर चेतन ने कहा कि संबित पात्रा एक ऐसे इंसान है जिन्हें ये नहीं पता लगता कि वो बोलते क्या हैं। इसके साथ ही उन्होंने पात्रा को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें चुनावों तक मौन व्रत रख लेना चाहिए, ये भाजपा और उनके दोनों के लिए ही अच्छा होगा। चेतन का कहना है कि उनकी इच्छा है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब संबित पात्रा कटोरा लेकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बाहर बैठे नजर आएंगे। देखिए संबित पात्रा जी एक ऐसे आदमी हैं जिनको यह नहीं पता लगता कि वो बोल क्या रहे हैं। आज तो हद ही हो गई, उन्होंने ये तक कह दिया कि जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के भक्त हैं, और इससे ज़्यादा पाप इस भारत देश में क्या होगा। इतने बड़े शब्द उन्होंने ये बात बोले हैं, तो मैं तो एक उनको सलाह दूंगा कि अब वो उपवास का भी मुझे पता लगा है कि 3 दिन का उपवास कर रहे हैं। मैं उनको एक सलाह दूंगा और भाजपा को भी सलाह दूंगा कि इस आदमी को मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए। जब तक 1 मई तक चुनाव ना हो तो संबित पात्रा जी मौन रहें तो शायद भाजपा के लिए भी अच्छा होगा और हिंदुस्तान की, भारत की जनता के लिए भी अच्छा होगा, ताकि सद्भाव शांति बनी रहे और इन पापियों से इस देश का को छुटकारा बहुत जल्द मिलने वाला है। 4 जून को संबित पात्रा जी भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठे हुए दिखेंगे, ये ऐसी मेरी कामना भी है और इच्छा भी है।